इसलिए मतलब फर्स्ट हां फर्स्ट को मेरा रिकॉग्निशन दिला सकते हैं पहुंचा
हम कॉलिंग करते हैं मूवी टीम को, मैं बुला के मूवी की कॉलिंग करती हूँ, ऑफलाइन वर्क करते हैं और मैं कम से कम 12 से 15 घंटे काम करती हूँ क्योंकि हमें घर बैठ के करना कहीं ढूंढना तो है नहीं। और दूसरा हम ग्रुप में मिल के कॉलिंग करते हैं, जैसे डेली डेली अगर हम करेंगे तो 50-60 कॉलिंग हम कर लेते हैं। मंथ में वेलकम मीट करती हूँ, ये मेरी टीम है, मेरी जिंदगी और इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बच्चों की माता का मैं प्यार करती हूँ, तो सबसे ज्यादा मेरी टीम है। तो मतलब कि मैं अपना वेलकम मीट करती हूँ, उनको ट्रेन करती हूँ। आज के टाइम पे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं उनका सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये वाला मैसेज है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। ये मेरे कैश रिवॉर्ड 50 का है, इसमें जब खराब लगे लास्ट में भी मैंने बुला लिया था। और अब मैं नेशनल हैदराबाद का फर्स्ट गोवा का मेरा क्योंकि मैं फ्लाइट में नहीं बैठी थी और मेरा मतलब गोवा उस टाइम पे हुआ था कि गोवा क्वालिफाई करना है, एक ड्रीम बन गया था कि मुझे फ्लाइट में बैठना है, मुझे गोवा जाना है। और उस गोवा ने मेरे को मतलब इतना मोटिवेट किया कि मैंने एक मार्च 2018 में सीनियर मैनेजर किया और मैंने अप्रैल मई में मैंने सीनियर डायरेक्टर शुरू किया, गोल्ड स्टार्ट किया, उसके लेफ्ट 2 मंथ मैंने सीनियर गोल्ड स्टार्ट किया और उसके 2-3 मंथ बाद मैंने सफायर स्टार्ट किया और डायमंड और कंप्लीट है और अभी मेरा मार्च में सीनियर डायमंड भी कंप्लीट हो गया है। ड्रीम बना लीजिए कि आपको ड्रीम क्या करना है, आपको अपने लिए एक अच्छा फोन लेना है, आपको अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट लेना है, कोई भी छोटा ड्रीम, कोई एकदम ऐसा नहीं कि मुझे सीधा गाड़ी लेनी है कोई ऐसा ड्रीम बनाइए कि आप उसको पूरा कर सको स्टेप बाय स्टेप। ये मेरी अप्लाई स्टॉकहोम में बहुत सारी मस्ती की और वहां पे भी मेरा टेस्टिमनी था, दूसरा मेरे लिए वहां पे भी सरप्राइज था कि मैं वहां पे फास्टिंग ड्राइंग लीडर नंबर 2 पे आई। तो और वहां पे मैं तो बैलेंस टॉप 15 में आई, ये मेरा सरप्राइज था, सर ने मुझे बताया नहीं वहां पे ये ऐसा कुछ भी होने वाला है। एक मेरे लिए एक तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि जो लोग स्टेज पे जाते हैं उनमें टेस्टिंग नहीं होता है, तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी यहाँ पे जा पाऊंगी और मेरा अपना एक ड्रीम हो गया कि मुझे भी यहाँ पे जाना है। तो ड्रीम हमारे जरूरी है देखने और उनको पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कि मेरे अपनी टीम की एकदम से प्रियंका साथ में जुड़ी है और हम तो मिल के काम करते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारी टीम है, नहीं ये मेरी टीम है, मेरी अपलाइन की टीम है, मेरी टीम है। तो हमारी टीएसपी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और अगर हम 30 से 40 घंटे वीक में करेंगे तो हम जरूर सब कुछ कर सकते हैं जो हमने सोचा है। ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, जैसे हम बनाते हैं, हमारी टीम को सबको पता ही है कि हम दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं। अब आप लोग ऑनलाइन मिले फिर मैं ऑफलाइन आ जाऊँ, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है।